तो दोस्तों, हम सबका जो इंतजार था मंजुलिका को लेकर, वो अब खत्म होने को है। इस बार हमारी मंजुलिका दीपावली में आ रही हैं और उनका ट्रेलर भी अब तो आ गया। इस बार का ट्रेलर बहुत ही ज्यादा बेहतरीन है। इस बार मजे का लेवल ही अलग है, मंजुलिका का लेवल अलग। आप चाहे इसके हेटर्स हो, चाहे आप कार्तिक आर्यन के फैन हो, एक बार इस पूरे रिव्यू को देखना जरूर। तो दोस्तों, एक बार फिर से आपका आपके चैनल में स्वागत है। दोस्तों, इस बार की दिवाली बहुत स्पेशल होने वाली। पहले तो सिंघम, अब भूल भुलैया 3, और दोनों पार्ट 3 आ रही है, जहां पर सिंघम 3 का ट्रेलर उतना इम्प्रेस नहीं कर पाया और काफी कुछ मतलब निगेटिव पॉइंट्स थे उस, लेकिन भूल भुलैया 3 का ट्रेलर क्या ही कहना। चलिए पहले कार्तिक आर्यन की बात कर। इस बार के ट्रेलर में जो दिख रहे हैं कार्तिक आर्यन, पिछले बार की तरह है, लेकिन इस बार अलग। इस बार उनकी बाबा सर्विसेस चल रही है। ट्रेलर में आपने सुना होगा कि नहीं, लड़का हूं यार तो इतना तो हो ही जाता है, क्या क्या सपने सोच सकता था मैं, क्या क्या सोचना चाहता हूं, देखे हो कि नहीं। और तो और, इस बार कार्तिक आर्यन भूतों का फायदा उठा रहा है भाई। ये नेकलेस को देखते मान सीधे खून, ये सापित वो सापित, मस्त कर रहा है इस बार रू बाबा। और एक जगह बोलता है आत्माएं मेरे अंदर आ जाती हैं, और एक तरीके की नौटंक। तो इस बार कार्तिक आर्यन का कैरेक्टर बहुत ही मस्त और कई डायमेंशंस के साथ सेट किया गया है। आखिरी में फियर वाला भी लुक दिखाते हैं कि इतना डर गया हूं मैं, पहले कहता है भूतों से क्या डर, और फिर इतना आखिरी में दिखाना कि बिल्कुल डर गया है, डरा हुआ सहमा हुआ सा कमरे में जाता है आखिरी में देखे हो, और फिर घर छोड़ के भागता है, हट मैं नहीं कर रहा शादी वादी, और भाग जाता है वहां, जिसके लिए बोल रहा था मैं इतने सपने देख। तो बहुत ही मस्त इस बार किरदार, और हमारी मेन मंजुलिका इस बार 2-2, और वो भी खूबसूरत हीरोइन माधुरी दीक्षित और विद्या बालन मंजुलिका। मंजुलिका तो पहले थी ही विद्या बालन, अब लेकिन एक और मंजुलिका। और इस बार ना भूल भुलैया 3 की कहानी भी बड़ी दिलचस्प होने वाली। पहले तो ये दोनों आपस में लड़ेंगे, मैं असली मंजुलिका, मैं अपनी असली मंजुलिका, और ऊपर से इन दोनों की कहानी के बेस में पिसने वाले हैं घर वाले, और उन घर वालों को बचाने की जिम्मेदारी है किसकी, हमारे रू बाबा की, बाबा सर्विसेज वालों की। तो इस बार कहानी थोड़ी अलग होगी, और कॉमेडी में तो भाई राजपाल यादव भाई, संजय मिश्रा हैं, और तो वो हमारे विजय रात, तो मतलब कॉमेडी का पैकेज भी है, लव स्टोरी भी तृप्ति डिमरी के साथ दिखाई रहे हैं एक अलग अंदाज में, और सॉन्ग पुराने वाले, मतलब समझ लो अनीस बज्मी जी ने हम लोगों के लिए एक पूरा का पूरा पैकेज दे दिया है दीपावली की। दीपावली आप मस्त से रहो, डर वाला माहौल भी रहेगा, कॉमेडी भी रहने वाली है, लव स्टोरी भी रहने वाली है, और तो और आखिरी में बीच बचाव में थोड़ा सा बिजनेस वाला भी हो जाता है, भूतों से कैसे करना है जो आजकल चल भी रहा है, नाम नहीं लूंगा लेकिन देख लेना। मुझे बहुत मजा आया ट्रेलर देख के, एक एक चीज काफी बढ़िया थी, सबकी टाइमिंग अच्छी थी, डायलॉग्स भी अच्छे थे। हाँ एक बात और, जो संजय मिश्रा डायलॉग करते हैं जब वहाँ लड़ जाते हैं अचानक से कोई दीवार से, तो बोलते हैं कौन नेटफ्लिक्स चालू किया रे साला, तो मतलब ये वाला देख रहे हो कितना मतलब कॉमिक्स टाइमिंग का बहुत सही। इस बार सबकी सबकी कॉमिक टाइमिंग बहुत सब बहुत अच्छे से लग रहा है। देखते हैं कि जब ये आएगा मूवी तब कैसा होता है, किस तरीके से स्टोरी होने वाली है, और किस तरीके की कॉमेडी हमको हंसाते हैं, लव स्टोरी किस एंगल का होता है, और दोनों भूतों की लड़ाई कैसी। लेकिन एक चीज मुझे आखिरी में लगता है ना, आखिरी में जाते जाते कहना चाहता कि शायद अक्षय कुमार भी एंट्री ले सकते हैं क्या। विद्या बालन आ गई हमारी पुरानी मंजुलिका, एक और मंजुलिका, क्या हमारे अक्षय सर भी आ सकते हैं, क्योंकि वो तो अब सब में आ रहे हैं, सिंघम में भी आ गए, स्त्री 2 में भी आ गए, तो इसी में बस अक्षय कुमार बचे हैं। तो ये देखना दिलचस्प होगा। वैसे आप लोगों को क्या लगता है कमेंट बॉक्स में जरूर बताना कि अक्षय कुमार आ रहे हैं कि नहीं, और कैसा लगा आपको भूल भुलैया 3 का ट्रेलर रिव्यू, ये भी कमेंट बॉक्स में जरूर बताना, चाहे अच्छा हो चाहे खराब, कमेंट बॉक्स में बताना। मिलते हैं अगले वीडियो।